अरे भाइयों इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? मैं पूछ रहा आखिर हुआ क्या? क्या हुआ? किसी ने सिस्टर का खून कर दिया। ना बड़ा अनर्थ, वो जिसको सारा गांव पूछता था उसका खून करने वाला कौन जली हो सकता है? कौन हो सकता है वो? यही तो नहीं पता टीकाराम, वरना आज मैं से जिंदा नहीं छुड़ता। आओ आया समझ में, अब समझ गया ना सारी बात। कौन सी बात? मैं समझ गया, खून किसने किया है? ठहरो ठहरो ठहरो, देखो ये मेरे पास कुछ सामान है जो इस चर्च से चुरा कर मेरी दुकान पर बेचा गया था। अब आप पूछोगे कि मैंने क्यों खरीदा, तो सिर्फ इसलिए कि मैं आगे सिस्टर को बतला सकूं। लेकिन मैं क्या करूं, मेरे आने से पहले उस कातिल ने आकर सिस्टर की जुबान बंद कर दी। बोल टीकाराम कौन है वो आदमी? कौन है वो? हाँ, टीकाराम, टीकाराम, वो आदमी ये है। नहीं भाइयों, टीकाराम झूठ बोलता है। जो आदमी किसी की जान बचा सकता है वो जान ले कैसे सकता है? मैं इस चर्च की कसम खाकर कहता हूँ ये खूनी है, ये खूनी है, ये खूनी है, ये खूनी है। ये झूठ बोलता है। ये तुम्हें कातिल समझते हैं? मैं लोगों को पता करूंगा, मैं बताऊंगा कातिल मैंने, कातिल इन लोगों में से एक है। वो तुम समझते क्यों नहीं, तुम अकेले हो, दूसरी तरफ सारा गांव है। ये हमें पुलिस चौकी तक भी नहीं पहुंचने देंगे। हाँ, यहाँ से 5 कोस दूर दूसरे गांव की चौकी है, अगर हम किसी भी तरह वहाँ पहुँच गए ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकेंगे। चलो चलो ना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। चलो चलो तू ऐसा कर, तू इधर जा और मैं उधर जाता हूँ। जैसा बस Thank you.
चौकी कितनी दूर और है? इस पुलिया के उस पर पहुंच जाए तो शायद एक कोस और है। कहता है कि ये खूनी है। विजय, मगर सारा गांव कहता है। हम कहीं सुनी बातों का विश्वास नहीं करते। ये भी उसका हिमायती है भाइयों। मारो इसे। Thank you.
राधा पानी पानी कसूर है गांव में जितने पाप हुए हैं वो सब इसने किए हैं शरामजादे पागल का खून इसने किया था शिबू से कोई नहीं बचा सकता शिबू नहीं नहीं शिबू नहीं हट जाओ ऐसा मत करो शिबू रामजादा तो जी शिबू शिबू